नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। अब तक हमने सुना था कि कार्तिक अपने ऑफिस में नए एसोसिएट मैनेजर को देख के चौंक जाता है, क्योंकि वो तानिया निकलती है। तानिया जिसे कार्तिक बचपन के बाद अब देख पा रहा है। अब आके ऑफिस के मीटिंग के शोर के बीच में सारी बातें कार्तिक के सामने से एक पल में गुजर गई। इतने शोर में भी वो सारी बातें अनसुनी करके बस तानिया को देखे जा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो तानिया से मिलेगा। इन बीते सालों में वो तानिया को कभी भुला पाया कि नहीं, उसे नहीं मालूम। पहला प्यार कोई कैसे भुला सकता है? वो तो यादों में बसा होता है, वो जीवन भर की स्मृतियों में कभी कभी याद आ ही जाता है। मुझे लगता है कि बुढ़ापे की आखिरी सीढ़ी पर भी इंसान को उसका पहला प्यार तो याद रहता ही है ना। इसी बीच अब नए एसोसिएट मैनेजर की सबसे मिलने की बारी थी। हर टीम लीडर अपनी टीम का इंट्रोडक्शन करवा रहा था। इसी बीच कार्तिक के टीम लीडर ने भी उसे बुलाया। टीम लीडर ने तानिया के सामने सबका इंट्रोडक्शन दिया। तानिया, शी इज़ अनीता, शी इज़ कॉन्टेंट राइटर फॉर आवर प्रोजेक्ट, ही इज़ अमन एंड ही हैंडल ऑल ऑफ प्रोडक्शन वर्क। तानिया सबको हाय कहते हुए हैंडशेक करते हुए आगे बढ़ रही थी। And he is one of the best employee in our company, Karthik. He is mentor of everyone and handles all the packaging and compliance work in office. Hi, Tanya कहते हुए आगे बढ़ी। Karthik चौंक गया। उसे लगा कि तानिया शॉक हो जाएगी या उसे देख के खुश हो जाएगी, पर नहीं। तानिया तो ऐसे आगे बढ़ गई कि वो उससे आज पहली बार मिली हो। क्या सच में तानिया मुझे भूल गई है? क्या तानिया को मैं बिल्कुल भी याद नहीं? दूरियां लोगों को भुला देती है क्या? कार्तिक थोड़ा सा उदास हो गया और काम करने के लिए मीटिंग रूम से निकल के अकेला ही अपने क्यूबिकल में चला गया। यहां मीटिंग रूम के बाद तानिया ने सारे टीम लीडर को ऑफिस में बुला के काम के बारे में बताना शुरू किया। The work of your team is well, very good. I'm quite impressed with all of you. But I think you should take care of packaging and compliance. हमें नए डिज़ाइन बनाने चाहिए जिससे क्लाइंट को और अट्रैक्टिव और डिसेंट लगे और लार्जेस्ट यूज़र हमारे कॉन्टेंट के साथ जुड़े। आई थिंक यू ऑल शुड लीव एंड थिंक अबाउट दिस। एंड मिस्टर वर्मा, अब यहीं रुक जाइए। सभी लोग कैबिन से निकल जाते हैं और मिस्टर वर्मा और तानिया आपस में बात करने लगते हैं। मिस्टर वर्मा, प्लीज़ कॉल दैट पर्सन जो पैकेजिंग डिज़ाइनिंग में बेस्ट हो और सबके डिज़ाइन अच्छे से रेडी करवा दें। एंड आई वॉन्ट द बेस्ट एम्प्लॉय फॉर दिस। मिस्टर वर्मा प्यून को बुलाते हैं। अशोक, जाके कार्तिक को बुला लाना। कौन से वाले कार्तिक सर? कार्तिक चतुर्वेदी को। मिस्टर वर्मा कहते हैं तो तानिया चौंक जाती है। कार्तिक चतुर्वेदी? क्या कार्तिक यहाँ? बट हाउ इज़ दैट पॉसिबल? That boy, मुझे उस समय लगा ही था कि उसकी शक्ल बहुत जानी पहचानी सी लग रही है। तानिया मन ही मन सोचती है और जाके मिस्टर वर्मा को कहती है, मिस्टर वर्मा यू कैन लीव नाउ, आई वॉन्ट टू टॉक टू कार्तिक अलोन अबाउट प्रोजेक्ट रिलेटेड थिंग। मिस्टर वर्मा बाहर निकल जाते हैं। वो जा ही रहे होते हैं कि उन्हें कार्तिक मिल जाता है। कार्तिक उन्हें रोक के पूछता है कि सर, क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ कार्तिक, वो मिस तानिया ने तुम्हें बुलाया है, उन्हें पैकेजिंग और डिज़ाइंस के बारे में बात करनी है। गिव हर गुड आइडियाज़, ओके? कार्तिक ओके सर कह के तानिया के रूम में एंट्री ले लेता है। मैम, आपने बुलाया? अब मैं इतनी भी बड़ी नहीं हो गई हूँ कार्तिक चतुर्वेदी जी, क्या आप मुझे मैम कह के बुलाएं? तानिया मुस्कुराती हुई बोली। कार्तिक हल्का सा मुस्काया। तानिया ने फिर कहा, सच अ स्मॉल वर्ल्ड कार्तिक, और तुम मिले तो उस समय तुमने बोला क्यों नहीं है? एकदम छुपारस्तम की तरह खड़े रहे। इतनी जल्दी भूल गए मुझे? अरे 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 अरे, कितना बोले जा रही हो। अरे मैंने तो तुम्हारा नाम सुनते ही तुम्हें पहचान लिया था। मुझे लगा कि तुम मुझे भूल गए हो, कार्तिक ने कहा। तानिया ने बोला कि मैं बहुत खुश हूं तुमसे मिलके कार्तिक। मैंने सोचा नहीं था कि हम तुम यहां ऐसे मिलेंगे एक साथ ऑफिस में काम करते हुए। अच्छा हाँ, अरे काम से याद आया कार्तिक, आई नीड योर हेल्प इन दिस प्रोजेक्ट। एक्चुअली आई नीड सम न्यू डिज़ाइंस फॉर पैकेजिंग
और ऑल ऑफ द थिंग्स. कार्तिक ने हाँ कहा तो तानिया ने कहा, ग्रेट, अच्छा अभी ना मुझे बहुत सारा काम है, काफ़ी लोगों से मिलना है, पहला दिन है ना, तो बाद में मिलके बात करते हैं, बहुत बातें करनी है मुझे तुमसे. हाँ ठीक है, बात करेंगे, बहुत बात करेंगे, पहले काम कर ले, फिर जितना मन करेगा बात करेंगे. कार्तिक ने कहा, हाँ तुम ना अपना नंबर दे दो मुझे, मैं ना अपडेट्स लेते रहूँगी प्रोजेक्ट पे. तानिया ने कहा. कार्तिक ने अपना नंबर लिखा और कैबिन से बाहर निकला. काम धाम, लंच, बातें और फिर काम और सिर्फ काम करते करते कार्तिक का दिन बीता. शाम हो चुकी थी, ऑफिस से जाने का टाइम भी होने वाला था. कार्तिक सारे काम को वाइंड अप करके ऑफिस से निकलने की तैयारी में था ही कि तभी व्हाट्सएप पे एक टेक्स्ट आया. हाय कार्तिक, तान्या दिस साइड, आज शाम को फ्री हो क्या? कार्तिक हल्का सा मुस्कुराया और फिर कुछ सोचा, फिर लिखा, यस. दिल्ली की शाम थी, हल्की हल्की सर्दी थी. कार्तिक कैब से आना चाहता था पर तानिया ने ही जिद की कि वो मेट्रो से चले. सफर में तानिया और कार्तिक की बहुत बातें हुई. इस बीच कार्तिक को पता चला कि तानिया हौस खास में रहती है और शायद 2-3 महीने बाद तानिया की फैमिली भी यहाँ आ जाए. तानिया ने कितनी मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया है, यही सब बातें करते करते वो दोनों कैफ़े तक पहुँचे. कैफ़े हौस खास में ही था. सामने से एक झील दिखती थी और दोनों रूफटॉप कैफे पे एक टेबल लिए बैठे थे. कितना खूबसूरत है ना दिल्ली, यहाँ मुंबई जैसी रफ्तार नहीं है, ये शहर थोड़ा ठहरा सा हुआ है, यहाँ हर वक्त जागने और दौड़ने की होड़ नहीं है. अच्छा है. अच्छा, मैंने सोचा नहीं था कि हमारे एरिया का स्टार क्रिकेटर यहाँ कॉरपोरेट फील्ड में काम करेगा, तानिया ने कहा. हाँ मैंने भी नहीं सोचा था, रणजी तक तो खेला ही था पर उसके बाद पापा की जॉब छूट गई और फिर फैमिली की कंडीशन इतनी अच्छी रही नहीं तो आगे खेल नहीं पाया. होता है, कभी कभार सपनों से ज़्यादा हालातों को देखना पड़ता है. और ठीक है, पर मैं भी अब खुश हूँ इस जॉब में. अब देश में हर कोई तो क्रिकेटर नहीं बन सकता ना, बाकी काम भी तो किसी ना किसी को करने पड़ते हैं, कार्तिक ने कहा. बींग प्रैक्टिकल इज इम्पॉर्टेंट, कभी कभी लाइफ गिव्स यू अ डिफरेंट वे. और बाकी लोग कैसे, आकाश वगैरह क्या कर रहे हैं सब? आकाश की खुद की स्पोर्ट्स शोरूम है, सारे इक्विपमेंट है उसके पास. हम लोग कभी कभी मैच भी खेल लेते हैं, उसी के शोरूम के पीछे ग्राउंड भी. तुम चलो कभी, मिलवाता हूँ सबसे, तानिया ने हाँ कहा और फिर कोई ड्रिंक लेने चली गई. कार्तिक सोचने लगा कि क्या तानिया के अंदर अभी भी फीलिंग्स होगी मेरे लिए, क्या इतने दिनों बाद भी वो मुझसे प्यार करती होगी, क्या मुझे उसके करीब जाना चाहिए, मुझे उससे मिलना चाहिए. यही सब सवाल उसके मन में चल रहे थे कि तभी तानिया आई. और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है कि नहीं, तानिया ने कहा. नहीं, मतलब तुम्हारे जैसे कोई मिले ही नहीं. अरे मेरे जैसे कहीं मिलेगी भी नहीं, तानिया ने कहा. हाँ वो तो है, कार्तिक ने धीरे से कहा. क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो बस कह रहा था कि तुम अब हमें निकलना चाहिए, लेट हो जाएगा काफ़ी तुम्हें, कल ऑफिस भी है ना. अरे तुम तसल्ली से बात क्यों नहीं कर रहे हो मुझसे? तुम मेरे लिए एक दिन निकालो, हम पूरे दिन घूमेंगे उस दिन, बताओ चलोगे ना, बताओ. हाँ, ठीक है, चलते हैं. सैटरडे को चलते हैं, ऑफ भी रहेगा, अभी रात हो रही है तो मैं लेट भी हो जाएगा. वो दोनों कैफे से बाहर आते हैं और बाय कह के दोनों अपने अपने घर की तरफ निकलते हैं. कार्तिक मेट्रो से घर की तरफ जा रहा होता है. कार्तिक मन ही मन सोचता है कि वो तानिया से दूरी क्यों बनाने की कोशिश कर रहा है. उसे लगता है कि अगर वो फिर उसके पास गया तो कहीं उसका दिल फिर ना टूट जाए. वो अब इतनी बड़ी पोजीशन पे है, उसके और कार्तिक के बीच कितना बड़ा सोशल डिफरेंस है. वो अब उसे शायद प्यार करती भी है नहीं करती है, और वैसे भी इतना समय हो गया है, वो जो बचपन में था वो तो शायद अब नहीं है, अब चीज़ें अलग हैं. इन्हीं सब ख्यालों के साथ वो घर की ओर जा रहा होता है. अब आगे क्या होगा
क्या कार्तिक और तानिया की लव स्टोरी दोबारा स्टार्ट हो पाएगी? हमें कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, और आगे जानने के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी को। धन्यवाद।